सन 2024 जब भारत के प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ। अब आंकड़ा आता है 6+7 यानी कि 13 और 13+13 यानी कि 26 और इसी 26 अंक से संत अच्युतानंद दास ने भारत पर भविष्य में होने वाले युद्ध के बारे में बताया है। भारत युद्ध जैसी स्थिति का सामना करेगा, इसमें इस्लामिक देश आक्रमण करेंगे और तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। ऐसी ही और अनेक भविष्यवाणियां संत अच्युतानंद दास ने भारत को लेकर भविष्य मलिका के अंदर लिख रखी हैं और वो सभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है खुशदीप और आप देख रहे हैं KS फैक्ट यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल मंडराएंगे। ज्योतिष के अनुसार सन 2024 में शनि कुंभ से मीन राशि में आएंगे और 2.5 साल तक उसमें रहेंगे, यानी कि सन 2024 से लेकर 2026 और 6 महीने और जो शनि हैं वो मीन राशि में रहेंगे। आपको बताएं कि इसको लेकर संत अच्युतानंद दास ने बता रखा है ज्योतिष की माने तो जब शनि मीन राशि में आएगा तो अप्रिय घटनाएं होंगी और इसको लेकर एक स्पष्ट बात कही गई है कि इन्हीं अप्रिय घटनाओं में एक उड़ीसा के हीराकुंड बांध में होगी। दरअसल इन्होंने बताया है कि जब शनि ग्रह कुंभ से मीन राशि में आ जाएगा तब उड़ीसा का हीराकुंड बांध टूट जाएगा व इसके चलते आधा राज्य जलमग्न भी हो सकता है। आपको बताएं कि ऐसी ही भविष्यवाणी और भी अनेक भविष्यवक्ताओं द्वारा मिलती है जिसके अंदर कहा गया है कि उड़ीसा राज्य पानी के अंदर जलमग्न हो सकता है। आपको बताएं कि सन 2024 जब भारत के अंदर एक बार फिर से इलेक्शन होंगे वह समय व भविष्यवाणियों की ओर नज़र मारें तो भारत के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। इसके अंदर बताया गया है कि कलयुग के अंत में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा और ऐसी ही चीज़ें नज़र भी आ रही हैं क्योंकि जब से ओजोन लेयर के अंदर जो होल हुआ है उसके बाद सूर्य की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी रे जिसको हम कहते हैं उसके कारण सीधी बॉडी में इन्फेक्शन कैंसर स्किन कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। यानी कि जो सूर्य पहले जीवन देता था अब वो जीवन लेने वाला बन रहा है। आगे लिखा है बुजुर्ग शिक्षकों का निरादर होगा, वहीं अज्ञानी और पाखंडी लोगों को ठगने लगेंगे। यह बात तो आप लोगों के सामने ही है कि शिक्षकों का निरादर व पाखंडी लोगों द्वारा लोगों को ठगे जाना तो बहुत सामान्य सी बात बन चुकी है। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। दोस्तों इस बात के गवाह तो आप सभी होंगे कि जो व्यक्ति नेकी के रास्ते पर चलता है या धर्म की बात करता है उसको लोग अनपढ़ या उसका मजाक उड़ाते नजर आते हैं। जो व्यक्ति धर्म की बात करता है उसको पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता व ऐसा माना जाता है कि पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों से दूर रहते हैं। और ऐसे ही भविष्यवाणी तो संत अच्युतानंद दास ने कई साल पहले कलयुग अंत को लेकर कर रखी थी। आगे इनमें लिख रखा है दुनिया में अप्राकृतिक संबंध बनेंगे और आपको बताएं कि विदेशों में तो इसको लेकर कानून पहले से ही हट रखा है लेकिन भारत में भी जब से आर्टिकल 377 के ऊपर माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है तब से इसकी दस्तक भारत के अंदर भी हो चुकी है। और धर्म ग्रंथों की माने तो उनके अंदर बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है कि अगर प्रकृति का उल्लंघन होगा तो भयानक बीमारियाँ दस्तक देंगी। और दोस्तों ऐसी ही बात तो कलयुग अंत को लेकर संत अच्युतानंद दास जी ने भी अपनी भविष्य मलिका के अंदर लिख रखी है। आगे इन्होंने लिख रखा है कि जंगली जानवर अपना घर छोड़कर इंसानों में घुसेंगे व इंसानों पर जंगली जानवरों का हमला होगा व जंगली जानवरों द्वारा इंसान की जान लेने की खबरें आम होती जाएंगी। आप लोगों को पता होगा कि दिन प्रतिदिन जंगल कटते जा रहे हैं जिसके कारण जो जंगली जानवरों का घर है उनका एरिया है वो कम होता जा रहा है। वे सूखा बाढ़ इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के चलते जब जंगली जानवरों को जंगल में भोजन नहीं मिलता तो ये घटनाएं सामान्य हो चुकी हैं कि वो इंसानी आबादी में आ जाते हैं। वे औसतन बात करें तो भारत के अंदर ही जो बाघ या इस प्रकार के जंगली जानवर होते हैं वो हर साल 300 से 400 लोगों की जान ले लेते हैं।
यह तो इंसानी जाने हैं जो कि रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हैं, और ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनका रिकॉर्ड इस सरकारी डाटा में कभी चढ़ा ही नहीं, परंतु वो उनकी भेंट चढ़ गए। और जानवरों की गिनती तो इसमें है ही नहीं कि कितने लोगों के पालतू मवेशी जंगली जानवरों का शिकार होते हैं, और इसमें गलती भी इंसान की है। लेकिन नज़र मारें तो संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्यमलिका के अंदर ये जो बातें लिखी हैं कि अब ये सब निशानियां नज़र आने लग जाएं, तब समझ लेना कि कलयुग का अंत नज़दीक है। और अगर अपने चारों तरफ नज़र मारें तो ये बात अब स्पष्ट रूप से नज़र आती है, सामने आ रही है कि कलयुग का अंत नज़दीक है। और जो उन्होंने पहली बात कही थी कि भारत युद्ध जैसी स्थिति का सामना करेगा, इसमें इस्लामिक देश आक्रमण करेंगे और तबाही का मंजर होगा। इस्लामिक देशों की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी देश इस प्रकार के देश इस्लामिक देशों की सूची में आते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो गृह युद्ध के हालात बन रखे हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का जिक्र करा था कि अगर पाकिस्तान आर्मी सही समय पर सही निर्णय नहीं लेती तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। वे साथ में पाकिस्तान का एक विवादित हिस्सा जिसको लेकर भारत अलग करवाना चाहता है, यानी कि बलूचिस्तान, उसको लेकर भी इमरान खान ने कह रखा है कि पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की पूरी तैयारी कर रखी है। यानी कि ये बातें स्पष्ट होती नज़र आ रही हैं कि इस्लामिक देशों में जो आपसी हलचल है, जो आपसी विवाद है, वो बढ़ता जा रहा है। और यह बात तो पीछे से रही है कि जब भी किसी देश में जो उनका गृह युद्ध बढ़ता है या आपसी लोगों में सरकार के प्रति जो विश्वास है वो कम होने लगता है, तो वो देश अपने किसी दुश्मनी राइवलरी देश के साथ युद्ध करने की बात करता है ताकि उनके लोग उन पर फिर से विश्वास जताएं। और यह तो पुरानी ट्रिक रही है, और इन सभी हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि पाकिस्तान फिर से भारत के ऊपर इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश करे, और आतंकवाद और ये सब चीज़ें जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में आप लोगों को पता होगा पंजाब में गैंगस्टर द्वारा सिद्धू मूसेवाले का कत्ल कर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों द्वारा लगातार कत्ल हो रहे हैं एक जाति विशेष को देखकर, यानी कि एक बार फिर से गृह युद्ध जैसी हालातें, सांप्रदायिक दंगे एक बार फिर से स्थिति में बनती हुई नजर आ रहे हैं। इसमें रोकने के लिए आर्मी को सख्त एक्शन लेना होगा, जैसा कि संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर लिखा था, भारत में युद्ध जैसी स्थिति का सामना करेगा। यानी कि युद्ध का सामने की बात तो स्पष्ट शब्दों में नहीं, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति की बात इसमें जरूर लिखी है। और जो बात आपको बताई थी कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बारे में, और तब भारत के प्रधानमंत्री होने की आशंका भी उन्हीं की है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बताया था कि शनि ग्रह मीन राशि में जाएगा तो वो भी 2024 में ही प्रवेश करने वाला है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।